हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, सुबह के अभी 6:15 हो रहा है और आज का मौसम देख सकते हैं दोस्तों, कल की तरह ही है और चारों तरफ से काला काला बादल लगा हुआ है, पूरी तरह से अंधेरा है। बुझाता है बारिश अब आ जाएगा दोस्तों। अभी आ गया हूँ मैं खेत की तरफ देखने कि रैया उखड़ा हुआ था वो सब, क्योंकि दोस्तों रात में जो है ना आंधी भी बहुत ज़्यादा तेज बहा है, तो कोई कोई गेहूँ को भी गिरा दिया है। इधर तो नहीं गिराया है लेकिन वो साइड में वो सूखा हुआ है, पक गया है, वो सब को गिरा दिया हुआ है बहुत सारे को। और देख सकते हैं सारे करिया गीला हो गया। और इधर भी देख सकते हैं सारा गीला हो गया है। और हमारा जो है ना सारा रबी राई जो है, करिया हो गया, मसूरी हो गया, खेसारी हो गया, सारे कुछ मटर उटर सारे कुछ उखड़ चुका है और सिर्फ झाड़ने का था। इसी में जो है ना बारिश आकर के पूरा फसल को ख़राब कर दिया। और हमारा ही नहीं, बहुत सारे भैया लोग का भी ख़राब कर दिया है। तो हम लोग या कोई भी कर भी क्या सकता है, क्योंकि बाली अब तैयार हो गया है, इस समय बारिश नहीं होना चाहिए, लेकिन बारिश होकर के जो है ना गेहूं को तो थोड़ा ठीक है क्योंकि खारा है, लेकिन फसल जो रबी राई है, मौसरी हो गया, करैया हो गया, खेसारी हो गया, मटर हो गया, ये सबको प्रॉब्लम करता है क्योंकि बाली तैयार हो चुका है। अब बारिश आ रहा है तो अब उसको निकाल भी नहीं सकते हैं, और निकालेंगे तो फिर सूखेगा ही नहीं, तो फिर झड़ेगा कैसे। और ये सब है, अब बारिश लगा हुआ है और 2-3 दिन 4 दिन रह जाएगा ऐसे, तो उसी में जो है ना जाम जाएगा खेत में ही। तो दोस्तों इधर भी घूम लिया बांस की तरफ, आंधी बहुत ज़्यादा था तो हमने देखने आया हूँ कि मतलब सूखा उखा जो है ना गाछी पेड़ डाली वो सब गिरता है, आंधी बहता है ज़्यादा तेज, तो नहीं गिरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि सूखा रहता तो गिरता लेकिन नहीं है। देखो डर गया दोस्तों, चिड़िया सब बहुत बैठा हुआ था बांस पे, आवाज़ सुनकर सब उड़ गया तो डर गया उगला क्या है। तो चलिए अभी चलते हैं दोस्तों थोड़ा उस खेत की तरफ, कल करैया उखाड़ा, उधर चलते हैं और देखते हैं उधर का क्या हाल चाल है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं, इस आरी होकर के चलते हैं। ये वो खाली कर्ची गिरा हुआ है, देख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा गेहूं को जो है ना गिरा दिया हुआ है आंधी, रात को जो है ना बहुत ज़्यादा तेज गिरा, देख सकते हैं। और किस तरह से आंधी बढ़ा है, लपटा हुआ ये हमारा है, इधर काते काते का सारा गिरा दिया हुआ है, सारा गेहूं गिर गया है दोस्तों, देख सकते हैं। आंधी बहुत ज़्यादा तेज था, तूफान था इसकी वजह से, और बहुत सारा गेहूं जो है ना गिर गया है। और कोई कोई ऐसा है कि नहीं गिरा हुआ है, जैसे कि वो छोटा छोटा सब है उधर देख रहे हैं, अभी हरा हरा गेहूं है, ये सब अभी नहीं गिरा हुआ है। ये तो इधर जो जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सिर्फ पकने का था, यानी कि गेहूँ फूट चुका है, वो सब सारा गिर गया है। देख सकते हैं क्या हाल हो गया है सारे फसल सब का। दोस्तों अभी आ गया हूँ खेत में, करैया जो उखाड़ चुके हैं इसको देख करके दोस्तों रोना आ जाता है, क्योंकि दोस्तों पूरी तरह से गीला हो चुका है और ऐसा बारिश रहा तो दोस्तों पूरी तरह से जो है ना बाली जितना किराया है सब झड़ जाएगा, इसी में जम जाएगा, मिट्टी पकड़ लेगा। तो इसलिए दोस्तों गेहूँ सब तो थोड़ा ठीक है क्योंकि खारा है, तो बारिश थोड़ा हो रहा है तो उसके लिए प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन किराया को बहुत ही, किराया मसूरी खेसारी ये सब को बहुत ही दिक्कत हो रहा है। चलिए हम या कोई भी कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि बारिश एक प्रकृति का जो नियम है, बारिश हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, ये अपना हाथ में थोड़ी ना है। दोस्तों कल तो बारिश हुआ ही पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके, तो देख सकते हैं पानी सब लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी देख सकते हैं ये साइड से पूरा काला काला बादल भरा हुआ है पूरा तरह से, ऐसे चारों तरफ है लेकिन ये साइड में ज़्यादा करके है, तो देख सकते हैं अभी भी छूट जाता है। दोस्तों अभी भी फ्रेश होने का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ बादल देख सकते हैं लगा ही हुआ है।
अभी भी छूट जाता था, बिरा जाता और धीरे धीरे जो है ना सारा सूख जाता। लेकिन देखते हैं क्या होता है, आज बारिश होता है कि क्या होता है। और इधर तो फसल खराब हो ही रहा है और साथ में हमारा काम लोकल वर्क यानी कि फेरी वाला काम है वो भी अकाज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर पे और आज का मौसम कैसा रहता है धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखते हैं बारिश का क्या होता है, धूप उगता है कि नहीं। दोस्तों घर पर चलेंगे, उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा पूरा खींच लेते हैं, पूरा ले कर चलते हैं। तो चलिए इसको खींच करके फिर चलते हैं। दोस्तों बांध लिया खींच करके पूरा को, उठाते हैं माथा पर उठा लिया दोस्तों पूरा को और अब चलते हैं घर पर।